में बहुत अच्छा है जब तक ये साझा सम्मेलन वाकई में अच्छा है, इसलिए कि विरासत है। जब तक इंसान अपनी विरासत को नहीं समझेगा तब तक वो दुनिया के लिए कुछ नहीं कर सकता है। अब तक हिंदुस्तान में बहुत सारी पार्टियाँ बनी, लेकिन पार्टियाँ बनने के बावजूद भी सब लोग अलग अलग रहकर कुछ नहीं कर सके, और जो विरासत को लोग समझ गए हैं अब उम्मीद है कि हिंदुस्तान में वही अमन, वही चैन, वही सुकून कायम होगा, और लोगों के लिए, सत्ता के लिए, लोगों के लिए, छोटे गरीब के लिए, बड़े के लिए, सब के लिए एक बराबरी से देखा जाएगा। इसलिए कि हमें जो हमारे पूर्वज ने जो सही मैसेज दिया था वो मैसेज पे लोग नहीं चल रहे हैं। हमारे नेतागण जो हैं उनसे गुजारिश करूंगा मैं कि जो पूर्वज का जो तरीका है उनको अपनावें और वो सही पैगाम लोगों तक, छोटे बड़े हर समाज में ये पैगाम पहुंचावें, और गंगा जमुनी का जो तहजीब पहले बरकरार था वो फिर रखा जाए। अब बरकरार नहीं रहा, इसी वजह से आज कोई किसी को नहीं देख रहा है, कभी जात पात के नाम पर तो कभी गौ मांस के नाम पर, कभी खाने के नाम पर लोग कत्ल कर दिया जा रहा है। सख्त से सख्त इंसानियत के ख़िलाफ़ है, इस तरीके से हरकत नहीं उठानी चाहिए। अभी गोरखपुर के अंदर जो ये बच्चों के साथ में जो इस तरीके का जो कांड हुआ है उसमें आप क्या कहेंगे? ये तो सरासर गलत हुआ, इसलिए कि बच्चा, जब हमारे मोहम्मद साहब ने फरमाया कि छोटा बच्चा की इज्जत करो और उसको ग्रोथ होने दो, ताकि वो बच्चे जब बड़े होंगे तो वही देश के लिए भविष्य होंगे, वही देश के लिए एक बहुत अच्छा होंगे। ये कांड जो हुआ है वाकई में गलत हुआ है, और जिन्होंने उनका साथ दिया है उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, और ख़ास करके जो कफील अहमद को हटाया गया है वाकई में उन्होंने अच्छा किया। सबका कहना है कि कफील अहमद क्या है, लोगों के लिए एक भगवान बनकर आए थे बच्चों के लिए, और बच्चे का जान भी बचाए, लेकिन आज वो योगी जी आए और उनको हटा दिए। इस तरह नहीं होनी चाहिए था, फिर से उनको अपने पद पर बहाली करनी चाहिए था, और फिर बच्चे को जीवन दान देने का उन्हें सही मौका प्रदान करनी चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम सैयद अकरम नूरी हुआ। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है कंस्टिट्यूशन क्लब, इसके अंदर और बराबर में है मावलंकर हाल। यहाँ जो देश के अंदर चल रही अफरा तफरी के चलते हुए यहाँ शरद यादव जी ने जो पहल की है, उस पहल के तहत आज जो यहाँ सभी पार्टियों के नेताओं को बुलाया गया, उस सभी पार्टी के नेताओं ने शरद यादव जी को साथ देने की बात की, और उसी सम्मेलन का नाम दिया साझी विरासत बचाओ सम्मेलन, कि जो इस समय विरासत चल रही है उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। इन सभी पार्टी के दिग्गज नेता, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी, कम्युनिस्ट पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के एडवोकेट वीर सिंह जी राज्यसभा में, और कम्युनिस्ट पार्टी, सभी पार्टी के नेताओं ने यहाँ बड़े पैमाने पर शिरकत ली और अपनी बात को कहा, बड़े अच्छे ढंग से कहा है, और उन्होंने कहा है 2019 के चुनाव के अंदर हम सभी लोग इकट्ठा होकर इस विरासत को ख़त्म करेंगे। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल।